वन डिवाइड वन बाय थ्री इसको हमें सॉल्व करना है ध्यान से देखो सॉल्व कैसे करते हैं यहाँ पे वन रखो एस सच फर्स्ट टर्म आपने एस सच रखनी है डिवाइड को आपने कर देना एक मल्टीप्लाई में कन्वर्ट डिवाइड कन्वर्ट्स टू मल्टीप्लाई एंड नेक्स्ट टर्म विल टेक रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल में अगर वन बाई थ्री इसका थ्री बाई वन बन जाएगा तो ये बन गया थ्री बाय वन ठीक है तो कितना आंसर अच्छा आ जाएगा थ्री वन जीरो थ्री थ्री ओवर वन थ्री ओवर वन इज नथिंग बट थ्री तो आंसर कितना आ जाएगा थ्री ओके नाव वी आर हैविंग सेकेंड पार्ट इन सेकेंड पार्ट वी आर गिवन विद थ्री डिवाइड थ्री ओवर फाइव इसको सॉल्व करने थ्री रखो एज सच डिवाइड कन्वर्ट्स टू मल्टीप्लाई दिस टर्म नेक्स्ट टर्म विल टेक रेसीप्रोकल फाइव ओवर थ्री तो आंसर कितना जाएगा देखो ये थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे आप ऐसे टर्म्स कैंसिल कर सकते हो आप ऐसे ऊपर ऊपर नहीं कैंसिल कर सकते या अगर डिवाइड हो तो ऐसे ऐसे कट नहीं कर सकते डिवाइड को पहले मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो फिर आप ऊपर नीचे ऐसे कट कर सकते हो ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हो या ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हो ऐसे आप कर सकते हो तो थ्री से थ्री मैंने कैंसिल कर दिया तो आंसर कितना आ गया फाइव एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ कि वन और वन थ्री वन से थ्री थ्री वन से थ्री वन वन आ गया फाइव वन जर फाइव तो नीचे वन रखने की जरूरत नहीं होती है तो कितना आंसर आ गया फाइव ओके नेक्स्ट वील हैविंग थर्ड पार्ट इन थर्ड पार्ट वी आर गिवन विद माइनस फाइव ओवर ट्वेल्व डिवाइड वी आर हैविंग वन ओवर सिक्सटीन इसको मेरे को सॉल्व करना है तो माइनस फाइव ओवर ट्वेल्व रखो ऐसा फर्स्ट टर्म आपको ऐसा ही रखनी है कई बच्चे क्या करते हैं फर्स्ट टर्म को रेसीप्रोकल कर देते हैं ऐसे नहीं करना आपने फर्स्ट टर्म ऐसा ही रखनी है देन डिवाइड कन्वर्स टू मल्टीप्लाई दिस टर्म नेक्स्ट टर्म विल टेक रेसीप्रोकल कितना जाएगा सिक्सटीन ओवर वन इसको आप ऊपर नीचे कैंसिल कर दो टू के टेबल में सिक्स टू जर ट्वेल्व एट टू जर सिक्सटीन थ्री टू जर सिक्स 4, 2, 0, ठीक है तो कितना आंसर आ जाएगा माइनस फाइव मल्टीप्लाई फोर मतलब माइनस ट्वेंटी थ्री मल्टीप्लाई माइनस सेवन ओवर एट इसको सॉल्व करना है तो माइनस ट्वेंटी माइनस सेवन आ जाएगा ठीक है तो ऊपर नीचे माइनस से माइनस पहले कैंसिल कर दो सेवन वन ज़र सेवन सेवन थ्री ज़र ट्वेंटी वन एट वन ज़र एट एट टू ज़र सिक्सटीन कैंसिलेशन समझ आई ना कि आपने या तो आप क्रॉस कट कर सकते हो यहाँ पे ऐसे क्रॉस कट कर सकते हो या आप ऐसे ऊपर नीचे कट कर सकते हो ठीक है आपने ऊपर ऊपर नहीं ऐसे कट करना बस या नीचे नीचे ऐसे कट नहीं करना सिर्फ आप क्रॉस कट कर दो या ऊपर नीचे ऐसे कट कर दो ठीक है तो कितना जाएगा थ्री वन ज़र थ्री टू वन ज़र टू तो आंसर कितना आ गया थ्री ओवर टू नेक्स्ट वी आर हैविंग फिफ्थ पार्ट इन फिफ्थ पार्ट वी आर गिवन विद जीरो डिवाइड माइनस फोर बाई सेवन इसको जैसे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है अगर आप जीरो से कोई भी टर्म को डिवाइड करोगे कोई भी रेशनल नंबर रियल नंबर जो भी आप डिवाइड कर रहे हो हमेशा आंसर क्या आएगा जीरो आएगा तो जीरो डिवाइड समथिंग विल गिव यू जीरो ओनली तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है डिवाइड को मल्टीप्लाई करो ऐसी कोई जरूरत नहीं क्योंकि डिवाइड करने पर आंसर हमेशा जीरो ही आने वाला है ठीक है और आपके पास एक केस और होता है कि अगर कोई भी रेशनल नंबर यहाँ पे हो और यहाँ पे डिवाइड जीरो आ जाए क्योंकि अगर जीरो से डिवाइड करोगे तो आंसर ज़ीरो आ जाएगा बट अगर ए डिवाइड जीरो आ गया ना तो इसका आंसर हमेशा आएगा नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड मतलब ये मैथ्स में पॉसिबल ही नहीं है कि आप कोई भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड कर दो ठीक है डिवाइड अगर आगे आ गया पीछे कोई टर्म आई देन ओके आंसर जीरो अगर आगे कोई टर्म आया इसको डिवाइड कर रहे हो जीरो से या ऐसे आ जाए ए ओवर जीरो तो इसका आंसर भी क्या आएगा नॉट डिफाइंड या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ये इन साइन होता है नॉट डिफाइंड का नॉट डिफाइंड ठीक है तो ये पॉसिबल ही नहीं है डिवाइड करनी नेक्स्ट आर हैविंग सिक्स पार्ट इन सिक्स पार्ट वी आर गिवन विद एट ओवर माइनस फाइव देन वी आर है इसको मेरे को सॉल्व करना है तो एट ओवर माइनस फाइव रखो ऐसा रेसी प्रोकल ट्वेंटी फाइव ओवर ट्वेंटी फोर अभी आप कट कर दो फाइव वन जर फाइव ये माइनस ऐसा minus cancel ही रखेंगे माइनस कैंसिल ही होना किसी भी कोई और माइनस है ही नहीं यहाँ पे तो माइनस वन आ जाएगा फाइव वन जर फाइव 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 का ट्वेंटी फाइव एट वन जर एट एट थ्री जर ट्वेंटी फोर तो कितना आंसर आ गया फाइव वन जर फाइव ओवर

नेक्स्ट वी आर हैविंग सेवन पार्ट इन सेवन पार्ट वी आर गिवन विद माइनस थ्री ओवर फोर डिवाइड वी आर हैविंग माइनस नाइन सो माइनस थ्री बाई फोर रखो एस सच डिवाइड कन्वर्ट्स टू मल्टीप्लाई माइनस नाइन का रैसी प्रोकल किया जाएगा माइनस नाइन का रैसी प्रोकल होगा वन ओवर माइनस नाइन तो मल्टीप्लाई कितना आएगा वन ओवर माइनस नाइन माइनस से माइनस कैंसिल कर दो थ्री वन जर थ्री 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 जर नाइन तो कितना आंसर आ जाएगा वन मल्टीप्लाई वन वन ओवर फोर मल्टीप्लाई थ्री ट्वेल्व दिस विल बी योर आंसर नेक्स्ट वी आर हैविंग part. पार्ट इन एथ पार्ट वी आर गिवन three ओवर four डिवाइड वी हैव टू minus five ओवर twelve given. ठीक है तो कितना आंसर आ जाएगा देखो three ओवर four डिवाइड कन्वर्ट्स टू मल्टीप्लाई नेक्स्ट टर्म विल टेक रेसिप्रोकल ठीक है इसको कट कर दो four वन जो four four थ्री जो twelve. कुछ और तो नहीं कट हो रहा अभी प्लीज इसको ऐसे मत कट कर देना three से three ऐसे कैंसिल दो ऊपर ऊपर या नीचे नीचे ऐसे कुछ कैंसिल कर दो ऐसे कुछ नहीं कैंसिल होगा ठीक है तो कितना आंसर आ जाएगा three थ्री जर nine ओवर minus five मल्टीप्लाई one माइनस तो आंसर विल बी नाइन ओवर माइनस फाइव नेक्स्ट वी आरिंग नाइन पार्ट इन आर गिवन विद माइनस फाइव डिवाइड माइनस टेन ओवर इलेवन सो माइनस फाइव एस डिड कन्स टू मल्टीप्लाई नेक्स्ट माइनस से माइनस कैंसिल आंसर कितना आ गया इलेवन ओवर टू नाउ दिस लास्ट पार्ट यू विल सॉल्व बाई य आंसर आएगा वो अपने कमेंट बॉक्स में लिख देना है ठीक है नेक्स्ट वी आर है डिवाइड थ्री बाय बाय मतलब यहाँ पे डिवाइड ही है कि आपको थ्री को डिवाइड करना है वन बाय थ्री से इसको आपको सॉल्व करना है बस सिंपली ठीक है तो कितना आंसर आ जाएगा देखो थ्री डिवाइड वन बाय थ्री है ना तो थ्री डिवाइड कन्वर्ट्स टू मल्टीप्लाई थ्री ओवर वन थ्री इन टू थ्री विल गिव नाइन सो आंसर विल बी नाइन ओके नाउ वी आर हैविंग पार्ट पार्ट इन हैिवन विद माइनस टू बाई माइनस वन ओवर टू इसको सॉल्व करो माइनस टू कन्वर्ट्स टू मल्टीप्लाई नेक्स्ट टर्म विल टेक रेसिप्रोकल तो कितना जाएगा टू ओवर माइनस वन माइनस से माइनस कैंसिल कर दो तो आंसर कितना जाएगा फोर सो नाउ वी आर हैविंग थर्ड पार्ट पार्ट इन थर्ड वी आर गिवन विद जीरो डिवाइड सेवन ओवर माइनस नाइन जीरो को आप किसी भी टर्म से डिवाइड करो तो आंसर कितना आने वाला है बस जीरो है आंसर आने वाला है ठीक है फोर्थ पार्ट वी आर हैविंग माइनस फाइव ओवर एट डिवाइड वन ओवर फोर सो माइनस फाइव ओवर एट डिवाइड कन्वर्ट्स टू मल्टीप्लाई नेक्स्ट टर्म विल टेक रेसिप्रोकल। फोर वन जार फोर फोर टू जर एट सो आंसर कितना जाएगा माइनस फाइव ओवर टू सो फिफ्थ पार्ट वी आर हैविंग माइनस थ्री ओवर फोर डिवाइड वी आर हैविंग माइनस नाइन ओवर सिक्सटीन सो थ्री ओवर फोर को रखो एसच डिवाइड कर दो कन्वर्ट मल्टीप्लाई में नेक्स्ट टर्म को रेसिप्रोकल दे दो तो सिक्सटीन ओवर माइनस नाइन आ जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल थ्री वन जर थ्री 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 जर नाइन फोर वन ज़र फोर 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 जर सिक्सटीन सो आंसर कितना आ जाएगा फोर मल्टीप्लाई वन फोर थ्री मल्टीप्लाई वन थ्री तो आंसर कितना आ गया फोर ओवर थ्री Here we are having third question. In third question we are given with the product of two rational numbers is minus two. आपके पास कोई दो rational नंबर है एक यहाँ पे rational नंबर होगा multiply एक यहाँ पे rational नंबर होगा दोनों का जो product है मतलब multiply है वो answer कितना है minus टू Statement समझ आ गई कि product of multiply of two rational numbers is equals to minus टू मैंने अभी यहाँ पे एम्प्टी जगह छोड़ी है क्योंकि मेरे को यहाँ पे पता नहीं है कौन से रैशनल नंबर है ठीक है नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो इफ़ वन ऑफ दैम इज़ फोर बाई सेवन अगर इन दोनों में से एक कोई भी नंबर फोर बाई सेवन है तो आपको ये सेकेंड वाला नंबर फाइंड आउट करना है तो लेट कर लो लेट अदर नंबर लेट अदर नंबर इज इक्वल्स टू एक्स समझ आ गया कि आपको गिवन है कि प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स मेरे को गिवन है कि माइनस टू के इक्वल है जिसमें से एक रैशनल नंबर फोर ओवर सेवन है सेकेंड आपको रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है ठीक है तो आप ध्यान से देखो ये फोर ओवर सेवन कौन सा यहाँ पे फोर ओवर सेवन यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना क्योंकि फोर ओवर सेवन मल्टीप्लाई एक्स है अगर फोर ओवर सेवन यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो आपको इधर ले जाओ तो उसको डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा एक्स रखो एस क्योंकि मेरे को एक्स ही तो फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू रखो एस सच माइनस टू रखो ए सच यहाँ तक समझ आया अब ये फोर बाई सेवन मल्टीप्लाई में है उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो माइनस टू डिवाइड कर दो फोर ओवर सेवन समझ आया तो एक्स इज इक्वल टू माइनस टू रखो एस डिवाइड कन्वर्ट्स टू मल्टीप्लाई नेक्स्ट टर्म विल टेक रेसिप्रोकल सो टू वन जर टू 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 जर फोर आंसर कितना आ जाएगा माइनस सेवन ओवर टू तो सेकेंड नेशनल नंबर विली माइनस सेवन ओवर टू नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग फोर्थ क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज माइनस फोर बाई नाइन सेम गिवन है कि दो कोई भी नंबर्स का जो प्रोडक्ट है उसका आंसर माइनस फोर बाई नाइन मेरे गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर्स नंबर फोर ओवर नाइन इफ वन ऑफ दैम इज माइनस टू ओवर ट्वेंटी सेवन अगर इन दोनों में से जो एक नंबर है कोई भी एक नंबर होता है या तो ये वाला या तो ये वाला कोई भी नंबर ठीक है जो कोई भी एक नंबर है वो माइनस टू ओवर ट्वेंटी सेवन है मेरे को सेकंड वाला नंबर फाइंड आउट करना है तो यहां पे लिख लेना लेट अदर नंबर लेट अदर नंबर इज इक्वल्स टू एक्स नंबर आपने पूरा डालना है एन यू एम बी ई आर वाला ठीक है लेट अदर नंबर इज इक्वल टू एक्स एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो एक्स रखो यहाँ पे एस एच इज इक्वल टू एस एच माइनस फोर बाय नाइन एस एच तो माइनस टू ओवर ट्वेंटी सेवन यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाके आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो डिवाइड कितना जाएगा माइनस टू ओवर ट्वेंटी सेवन सॉल्व कर लो एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर बाय नाइन डिवाइड कन्वर्ट्स टू मल्टीप्लाई नेक्स्ट टर्म विल टेक रेसीप्रोकल ठीक है तो कितना आंसर आ गया माइनस से माइनस कैंसिल कर दो टू वन जेर टू 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 जर फोर नाइन वन नाइन 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 थ्री जर ट्वेंटी सेवन तो आंसर कितना जाएगा थ्री मल्टीप्लाई टू सिक्स ओवर वन विच मीन सिक्स तो अदर रैशनल नंबर विल बी और अदर नंबर विल बी सिक्स ओके सो नेक्स्ट वी आर हैविंग फिफ्थ क्वेश्चन इन फिफ्थ क्वेश्चन वी आर गिवन विद एम एन एन आर टू रेशनल नंबर सच दैट ये एम और एन कोई भी दो रेशनल नंबर्स हैं और इनकी हमें वैल्यू गिवन है कि एम और एन को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा माइनस ट्वेंटी फाइव बाई नाइन यू के स्टेटमेंट गिवन है और फर्स्ट पार्ट मेरे को ये भी गिवन है कि एम की वैल्यू फाइव ओवर थ्री है मेरे को एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप ये वाली स्टेटमेंट को यूज़ करके यहाँ पे एन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो ठीक है एम की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो एम की वैल्यू कितनी है फाइव ओवर थ्री मल्टीप्लाई एन में को फाइंड आउट करना है इज इक्वल्स टू माइनस ट्वेंटी फाइव बाई नाइन तो फाइव बाई थ्री मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा एन इज इक्वल्स टू माइनस ट्वेंटी फाइव बाई नाइन दिस मल्टीप्लाई हेयर इट विल गो टू डिवाइड सो फाइव बाई थ्री मल्टीप्लाई पे था यहाँ पे उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो डिवाइड फाइव ओवर थ्री एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस ट्वेंटी फाइव बाई नाइन डिवाइड कन्वर्ट्स टू मल्टीप्लाई एंड नेक्स्ट टर्म विल टेक रेसिप्रोकल ठीक है थ्री वन जर थ्री 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 जर नाइन फाइव वन जर फाइव 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 साइड ट्वेंटी फाइव तो आंसर कितना जाएगा माइनस फाइव ओवर थ्री तो एन की वैल्यू फर्स्ट केस में कितनी आ गई माइनस फाइव ओवर थ्री ठीक है नाउ वी आर हैविंग सेकंड पार्ट इन सेकंड पार्ट आल्सो यू हैव टू यूज द सेम स्टेटमेंट एन मल्टीप्लाई एम इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फाइव बाई नाइन यहाँ पे आपको एन की वैल्यू किन है माइनस टेन ओवर नाइन आपको एम फाइंड आउट करना है तो एम को रखो है सच मल्टीप्लाई एन की वैल्यू आप माइनस टेन बाई नाइन यूज कर लो इज इक्वल्स टू माइनस ट्वेंटी फाइव बाई नाइन ठीक है ये मल्टीप्लाई कन्वर्ट हो जाएगा इधर आके डिवाइड में तो एम इज इक्वल्स टू माइनस ट्वेंटी फाइव बाई नाइन ये मल्टीप्लाई उधर गया डिवाइड में कन्वर्ट हो गया माइनस टेन ओवर नाइन सो एम इज इक्वल्स टू माइनस ट्वेंटी फाइव बाई नाइन डिवाइड कन्वर्ट्स टू मल्टीप्लाई नेक्स्ट टर्म विल टेक रेसिप्रोकल ठीक है माइनस से माइनस कैंसिल कर दो नाइन कट विद नाइन सो अब इसको क्या करो फाइव के टेबल में कट कर दो फाइव टू ज टेन फाइव फाइव का ट्वेंटी फाइव तो आंसर कितना आ जाएगा फाइव ओवर टू तो एम की वैल्यू कितनी आ गई फाइव ओवर टू ओके नेक्स्ट वी हैविंग सिक्स क्वेश्चन इन सिक्स क्वेश्चन वी आर गिवन विद बाय व्हाट नंबर मस्ट दिस माइनस फोर बाई थ्री भी मल्टीप्लाई कि माइनस फोर बाई थ्री को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं टू गेट टू गेट द आंसर ऑफ द प्रोडक्ट विल बी माइनस नाइन ओवर सिक्सटीन क्वेश्चन समझ आया कि माइनस थ्री बाई फोर को मैं किस नंबर से लेट कर लो कि नंबर इज इक्वल्स टू एक्स लेट नंबर इज़ इक्वल्स टू एक्स कि मैं माइनस थ्री बाई फोर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर माइनस नाइन ओवर सिक्सटीन आ जाए मेरे को नंबर फाइंड आउट करना है ठीक है तो माइनस थ्री बाई फोर यहाँ पर मल्टीप्लाई में है अभी अब ऐसे मत बोलना कि माइनस थ्री बाई फोर जो है ये माइनस में है एक्चुअली ये पूरा नंबर जो माइनस थ्री बाई फोर ये मल्टीप्लाई में है एक्स से ठीक है तो माइनस थ्री बाई फोर इधर मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो आप रखो एक्स को एस एच इज इक्वल टू एस एच माइनस नाइन ओवर सिक्सटीन एस एच प्लीज़ अभी यहाँ पे माइनस थ्री ओवर फोर जाके प्लस मत कर देना यहाँ पे क्योंकि माइनस थ्री बाई फोर फुल टर्म मल्टीप्लाई में एक्स से तो ये डिवाइड हो जाएगा इधर डिवाइड कन्वर्ट्स टू मल्टीप्लाई ठीक है तो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस नाइन ओवर सिक्सटीन डिवाइड कन्वर्ट्स टू मल्टीप्लाई नेक्स्ट टर्म विल टेक रेसीप्रोकल माइनस से माइनस कैंसिल हो गया थ्री वन जै थ्री 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 जर नाइन फोर वन ज़रा फोर 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 जर सिक्सटीन तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई थ्री ओवर फोर ओके नेक्स्ट हैविंग सेवंथ क्वेश्चन इन सेवंथ क्वेश्चन वी आर गिवन विद बाय व्हाट नंबर शुड माइनस एट ओवर थर्टीन बी मल्टीप्लाइड कि माइनस एट ओवर थर्टीन को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं टू गेट सिक्सटीन कि मेरा आंसर सिक्सटीन आ जाए आप यहाँ पे लिख दो कि लेट नंबर इज इक्वल्स टू एक्स ठीक है x की वैल्यू मेरे को सॉल्व करनी है तो यहाँ पे देखो x रखो एस एच इज इक्वल टू एस एच सिक्सटीन एस एच ये माइनस एट बाय थ्री फुल टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स से अगर माइनस एट बाई थ्री मल्टीप्लाई तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा समझ आ गया और आपने यहाँ पे डिवाइड करनी है प्लस नहीं करनी जाके ठीक है तो x इज इक्वल्स टू सिक्सटीन डिवाइड कन्वर्ट्स टू मल्टीप्लाई नेक्स्ट टर्म विल टेक रेसिप्रोकल सो एट वन जर एट ए टू जर सिक्सटीन तो आंसर कितना आ गया x इज इक्वल्स थर्टीन मल्टीप्लाई टू मतलब ट्वेंटी सिक्स ओवर माइनस वन एसच और आप इसको लिख सकते हो माइनस ट्वेंटी सिक्स क्योंकि माइनस को ऊपर रख लो या तो ऐसे लिख लो माइनस ट्वेंटी सिक्स या आप इसको ऐसे लिख लो ट्वेंटी सिक्स ओवर माइनस वन सेम थिंग है ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है आंसर लिखना ठीक है नेक्स्ट वील हैविंग एट क्वेश्चन इन एथ क्वेश्चन वी आर गिवन विद इफ थ्री वन बाई टू लीटर ऑफ मिल्क कॉस्ट फोर्टी नाइन रुपीज अगर थ्री वन बाई टू लीटर ऑफ मिल्क की कॉस्ट हमें गिवन है इज इक्वल्स टू रुपीज़ फोर्टी नाइन यहाँ पे आप लिखो कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ थ्री वन बाई टू लीटर ऑफ मिल्क इज इक्वल्स टू दिस हमें वन लीटर ऑफ मिल्क की कॉस्ट वन लीटर ऑफ मिल्क की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है पहले इसको सिम्प्लस मिक्स को आप क्या करो सिंपल में कन्वर्ट कर लो तो कॉस्ट ऑफ सिक्स प्लस वन सेवन सेवन बाई टू लीटर ऑफ मिल्क इज इक्वल टू रुपीज़ फोर्टी नाइन अभी आपको ये सॉल्व करना आता है ना टू मल्टीप्लाई थ्री सिक्स सिक्स प्लस वन सेवन सेवन बाई टू लीटर ठीक है अगर सेवन बाई टू लीटर फोर्टी नाइन रुपीज़ का है तो यहाँ पे वन लीटर कितने रुपीज़ का होगा ये आप कैसे करते हो ध्यान से देखो अगर आपको कुछ वैल्यू गिवन है और उसके आपको इधर वैल्यू गिवन है कुछ ना कुछ तो आप इसको आप अगर वन बनाना चाहते हो वन कैसे बनेगा इसको रखो यहाँ पे वन कॉस्ट ऑफ वन लीटर ऑफ मिल्क इज इक्वल्स टू फोर्टी नाइन रखो है सच ये सेवन बाई टू इधर आके डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे इसको डिवाइड कर दो समझ आए ना कि अगर आपको कुछ वैल्यू बड़ी वैल्यू गिवन है और उसको आपको कन्वर्ट करना है किसी वैल्यू में तो आप इस वाली टर्म को उठा के यहाँ पे डिवाइड कर दिया करो ठीक है तो कितना आ जाएगा कॉस्ट ऑफ वन लीटर ऑफ मिल्क इज इक्वल्स टू फोर्टी नाइन डिवाइड कन्वर्ट्स टू मल्टीप्लाई टू ओवर सेवन 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 जब फोर्टी नाइन तो आंसर कितना आ जाएगा फोर्टीन रुपीज़ तो वन लीटर ऑफ़ मिल्क फोर्टीन रुपीज़ का होगा अगर आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल समझें डेली लाइफ एग्जाम्पल समझिए वो भी देखो अब अगर आपके पास गिवन है फॉर एग्जाम्पल आपके जो टेन पेन है टेन पेन आप कितने रुपीज़ के लेके आए आप लेके आए उसको फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी रुपीज़ के लेके आए दस पेन आप शॉप में गए उसको बोला दस पेन दे दो दस पेन आपके ट्वेंटी रुपीज़ के थे अभी आप चाहते हो कि दस पेन नहीं मेरे को लेने में, आप बोलो कि मेरे को दस पेन नहीं चाहिए मेरे को सिर्फ एक ही पेन चाहिए एक पेन कितने रुपीस का होगा तो आप कैसे करोगे आप कैसे करोगे इसको एक पेन कर दो एक पेन इज इक्वल टू वन पेन इज इक्वल्स टू ट्वेंटी को डिवाइड कर दो टेन से तो कितना आ जाएगा वन पेन इज इक्वल्स टू टू रुपीज़ मतलब एक जो पेन है वो टू रुपीज़ का होगा नेक्स्ट गिवन विद नाइन्थ क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ थ्री टू बाई फाइव मीटर ऑफ क्लॉथ इज एटी एट वन बाई टू हम यहाँ कॉस्ट ऑफ थ्री टू बाई फाइव मीटर ऑफ क्लॉथ

एटी एट मल्टीप्लाई टू मतलब वन 176 सिक्स वन सिक्स प्लस वन वन सेवन तो वन सेवनटी सेवन ओवर टू अभी मेरे को यहाँ पे वन मीटर ऑफ क्लॉथ चाहिए तो आप क्या करोगे कॉस्ट ऑफ वन मीटर ऑफ क्लॉथ इज इक्वल आप रखो पहले ऐसा वन 177 सेवन ओवर टू ये सेवनटीन ओवर फाइव को यहाँ पे डिवाइड कर दो आगे तो डिवाइड सेवनटीन ओवर फाइव ठीक है तो कितना जाएगा कॉस्ट ऑफ वन मीटर ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू वन सेवनटी सेवन ओवर टू टू मल्टीप्लाई फाइव ओवर सेवनटीन ठीक है इसको आप सॉल्व करो सॉल्व करने

तो सम करो पहले थ्री बाय सेवन सम करना है तो सेंटर में प्लस डालो माइनस फाइव ओवर फोर्टीन इन दोनों के सम से आपको डिवाइड करना है माइनस वन बाय टू को ठीक है इसको सॉल्व करो थ्री बाय सेवन प्लस माइनस माइनस फाइव ओवर फोर्टीन डिवाइड वी हैव टू डू विद माइनस वन बाय टू अभी इसको सॉल्व करने के लिए सेंटर को माइनस सॉल्व करने के लिए आपको डिनोमिनेटर सेम करना होगा क्यों क्योंकि अगर सेंटर में प्लस या माइनस हो तो आपको डिनोमिनेटर को सेम करना ही होता है ठीक है सेवन और फोर्टीन का एल्सियम कितना आ जाएगा वन टू टू वन वन तो एल्सियम कितना आ गया आपके पास एल्सियम इज इक्वल्स टू फोर्टीन अभी आपको डिनोमिनेटर में फोर्टीन बनाना है कैसे बनाओगे मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू तो इसको सॉल्व करो सिक्स ओवर फोर्टीन माइनस फाइव ओवर फोर्टीन डिवाइड यू हैव टू डू विद माइनस वन ओवर टू तो यहाँ पे कितना आ जाएगा वन ओवर फोर्टीन डिवाइड माइनस वन ओवर टू सो वन ओवर फोर्टीन डिवाइड कन्वर्ट्स टू मल्टीप्लाई नेक्स्ट टर्म विल टेक रेसिप्रोकल टू वन जर टू से फोर्टीन तो आंसर विल बी वन ओवर माइनस सेवन और यू कैन राइट माइनस वन ओवर सेवन इज द आंसर नेक्स्ट हैविंग इलेवंथ क्वेश्चन इन इलेवंथ क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड एम प्लस एन डिवाइड यू हैव टू डू विद एम माइनस एन हमें ये वाली वैल्यू पूरी फाइंड आउट करनी है और हमें फर्स्ट पार्ट में गिवन है कि एम की वैल्यू टू बाई थ्री है इसमें पुट कर दो एम की वैल्यू कितनी है टू बाई थ्री प्लस एन की वैल्यू कितनी है थ्री ओवर टू इसमें भी सेम डिवाइड एम की वैल्यू कितनी है टू ओवर थ्री फर्स्ट पार्ट में देख के ठीक है फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने वाले तो माइनस थ्री ओवर टू इसको सॉल्व करो क्योंकि हमें दोनों नंबर को प्लस करना है पहले डिनोमिनेटर सेम कर लो तो टू और थ्री का एल्सियम कितना आ जाएगा सिक्स आ जाएगा ना तो सिक्स कैसे बनेगा मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू ये सिक्स कैसे बनेगा मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री तो कितना आ गया फोर ओवर सिक्स प्लस नाइन ओवर सिक्स ये डिवाइड रखो एज सच इन दोनों का एल्सियम भी कितना आ जाएगा सिक्स ये सिक्स कैसे बनेगा मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू इसमें मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री सो टू टू जर फोर ओवर सिक्स माइनस नाइन ओवर सिक्स ठीक है इसको सॉल्व करो सिक्स आप रखो है सच फोर प्लस नाइन डिवाइड वी आर हैविंग हेयर सिक्स ऐसे रखो फोर माइनस नाइन तो कितना आ गया नाइन प्लस फोर थर्टीन ओवर सिक्स डिवाइड यू हैव टू डू माइनस फाइव ओवर सिक्स ठीक है तो थर्टीन ओवर सिक्स डिवाइड कन्वर्ट्स टू मल्टीप्लाई नेक्स्ट टर्म विल टेक रेसिप्रोकल सिक्स से सिक्स कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आ गया माइनस थर्टीन ओवर फाइव सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिमिलर टू द फर्स्ट पार्ट ओनली आपने यहाँ पे क्या करना है m की जगह पे यहाँ पे थ्री बाई फोर यूज करना है और n की जगह पे फोर ओवर थ्री ठीक है सेम आपको सॉल्व करना है जो भी आंसर है वो अपने कमेंट बॉक्स में लिख देना है नेक्स्ट मैं सॉल्व कर देती हूँ तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है फोर ओवर फाइव और n की वैल्यू कितनी है माइनस थ्री ओवर टेन ठीक है इसको सॉल्व करो m की जगह पे आप पुट करो फोर ओवर फाइव प्लस एन की वैल्यू कितनी है माइनस थ्री ओवर टेन सो डिवाइड रखो एज सच एम की वैल्यू कितनी है फोर ओवर फाइव माइनस एन की वैल्यू कितनी है माइनस थ्री ओवर टेन देखो हम सबसे पहले क्या करो फोर ओवर फाइव रखो एस एच ये प्लस माइनस माइनस थ्री ओवर टेन डिवाइड फोर ओवर फाइव रखो एस एच माइनस माइनस प्लस थ्री ओवर टेन ठीक है अभी फाइव और टेन का एल्सियम कितना आ जाएगा टेन ही एल्सियम आ जाएगा ना तो मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू ये ऑलरेडी टेन है तो कितना आ गया एट ओवर टेन माइनस थ्री ओवर टेन हेयर वी आर हैविंग डिवाइड ये टेन का कैसे आएगा मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू तो एट ओवर टेन प्लस वी आर हैविंग थ्री ओवर टेन ठीक है तो टेन आ गया मेरे पास यहाँ पे एस एच एट माइनस थ्री डिवाइड वी आर हैविंग टेन एट प्लस थ्री ठीक है एट और थ्री को माइनस कर दो कितना आ गया फाइव ओवर टेन डिवाइड वी आर हैविंग है ओवर टेन ठीक है तो कितना आ गया फाइव ओवर टेन डिवाइड कन्वर्स टू मल्टीप्लाई टेन ओवर इलेवन टेन से टेन कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया मेरे पास फाइव ओवर इलेवन ओके नेक्स्ट वी आर हैविंग ट्वेल्थ क्वेश्चन इन ट्वेल्थ क्वेश्चन वी आर गिवन विद द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज इक्वल्स टू माइनस फाइव कोई भी दो रैशनल नंबर्स का जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई उसकी वैल्यू हमें गिवन है माइनस फाइव इफ वन ऑफ दिस इज माइनस सेवन ओवर फिफ्टीन इन दोनों में से कोई एक की वैल्यू माइनस सेवन ओवर फिफ्टीन है नेक्स्ट में को फाइंड आउट करना है ठीक है देखो यहाँ पे माइनस सेवन ओवर फिफ्टीन मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स से तो उधर जाकर वो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा ठीक है तो एक्स रखो एस एच इज इक्वल टू एस एच माइनस फाइव एस एच तो माइनस सेवन ओवर फिफ्टीन मल्टीप्लाई में इधर आके वो डिवाइड हो जाएगा ठीक है तो कितना आ गया एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव डिवाइड कन्वर्ट्स टू मल्टीप्लाई नेक्स्ट टर्म विल टेक रेसीप्रोकल तो माइनस ही माइनस कैंसिल हो गया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी

इन दोनों टर्म्स के सम को डिवाइड करना बाय द डिफरेंस ऑफ़ एंड ओवर आपने क्या करना है तो कितना जाएगा? देखो फाइव ओवर एट रखो एस प्लस माइनस माइनस इलेवन ओवर ट्वेल्व है इन दोनों का एल्सियम कितना आ जाएगा एल्सियम आ गया एट ट्वेल्व टू फोर सिक्स यहाँ पे कितना जाएगा टू थ्री टू वन थ्री थ्री वन वन टल्सियम कितना सिक्स सिक्स टू ट्वेल्व ट्वेल्व टू का ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर आ गया मेरे पास यहाँ पे एल्सियम तो एट थ्री जै ट्वेंटी फोर मल्टीप्लाई ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर कैसे बनेगा मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू तो कितना आ गया फिफ्टीन ओवर ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेंटी टू ओवर ट्वेंटी फोर डिवाइड वी आर हैविंग इसको भी सॉल्व कर लो एल्सियम लेके कि, एल्सियम कितना जाएगा फोर्टीन तो मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू ये ऑलरेडी फोर्टीन है ठीक कितना आ गया सिक्स ओवर फोटीन माइनस फाइव ओवर फोटीन इसको सॉल्व करो फिफ्टीन माइनस ट्वेंटी टू ओवर ट्वेंटी फोर डिवाइड यू हैव टू डू विद सिक्स माइनस फाइव ओवर फोर्टीन इन दोनों को माइनस करो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस माइनस माइनस जब माइनस करोगे आंसर आ जाएगा सेवन साइन बढ़ेगा बड़ा कौन सा साइन है नेगेटिव का तो माइनस सेवन ओवर ट्वेंटी फोर डिवाइड वन ओवर फोर्टीन ठीक है इसको सॉल्व करो कितना आएगा माइनस सेवन ओवर ट्वेंटी फोर डिवाइड कन्वर्ट्स टू मल्टीप्लाई फोर्टीन ओवर वन सो क्यों कैंसिल करो टू के टेबल में सेवन ट्वेल्व तो आंसर कितना आ गया माइनस फोर्टी नाइन ओवर ट्वेल्व दिस इज योर आंसर ओके Thank you so much for watching this video. If you like the explanation, please like it, share it, and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.